नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज के वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के सभी कैंडिडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सेफ स्कोर के बारे में कि फिजिकल के लिए आपका सेफ स्कोर इस बार क्या कुछ रहने वाला है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट्स फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। साथ में बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। सो आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सवाल हैं, सबके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर आपके सेफ स्कोर को लेकर या फिर कट ऑफ को लेकर कुछ सवाल है आपके। सबसे पहले तो कुछ लोगों का कहना है कि जो आपकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी, ठीक है। यहां पर कुछ लोगों का कहना है कि आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर लो जाएगी। सो इन बेसिकली जो दो सवाल है जो हर एक कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि यहां पर जो आपकी वैकेंसीज है वो कम है, नंबर ऑफ अप्लाई यहां पर बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा किए हैं, तो इस हिसाब से यहां पर कट ऑफ हाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों का मानना है कि कट ऑफ यहां पर लो जाने वाली है। सो इसी चीज को इस वीडियो में आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं। सो सबसे पहले हम यहां पर 2021 का जो डेटा है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए 2021 के अंदर आपकी जो वैकेंसीज थी वो यहां पर 25,271 आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। 25,271 आपकी यहां पर वैकेंसीज थी और जिसके लिए 71,66,059 फॉर्म जो है वो यहां पर अप्लाइड किए गए थे, ठीक है। सो 25,000 वैकेंसी के लिए 71 या 72 लाख आपके जो फॉर्म है वो यहां पर आपके आए थे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 2022 का जो अभी जो वैकेंसी थी 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो वैकेंसी थी वो ऑलमोस्ट डबल थी आपकी। 50,187 आपकी वैकेंसी थी और इनके लिए जो फॉर्म अप्लाइड किए गए थे वो 54,15,938 जो फॉर्म है वो यहां पर आपके अप्लाई किए गए थे। तो देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं 2021 में, ठीक है, 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो वैकेंसी थी आपकी, वैकेंसी थी वो कम थी, फॉर्म अप्लाई जो फॉर्म आपने अप्लाई किए थे वो शायद सबसे ज्यादा अभी तक एसएससी जीडी के सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए थे। सो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो कैसी जानी चाहिए थी, हाई जानी चाहिए थी, ठीक है। चलिए अगर बात करता हूं मैं 2022 की तो 2022 के अंदर आपकी जो वैकेंसी थी वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू 2021 और जो आपके फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो कम थे और इस हिसाब से जो आपकी कट ऑफ थी वो यहां पर कहीं नहीं स्लाइटली क्या थी, लो जाने की यहां पर संभावना थी। लेकिन हुआ क्या, जो आपकी कट ऑफ थी वो एक दूसरे का बिल्कुल क्या हो गया, यहां पर अपोजिट हो गया। तो उसके ऊपर भी एक बार नजर डालते हैं। तो देखिए एसएससी जीडी 2021 और 2022 की अगर कट ऑफ की अगर हम कुछ हाई बर्निंग जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ को अगर हम यहां पर कंपेयर करते हैं तो अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो 2021 में जहां पर वैकेंसी कम फॉर्म अप्लाइड सबसे ज्यादा थे तो 61.54 आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर गई थी। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करूं जहां पर आपके जो फॉर्म अप्लाइड है वो कम थे और जो आपकी वैकेंसी थी वो ज्यादा थी लेकिन फिर भी यहां पर जो कट ऑफ है वो यहां पर गई थी 72। सेम अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो आपकी कट ऑफ गई थी 67.59 इन 2021 बट इन 2022 योर कट ऑफ वॉज 76.42। यानी कि 2021 से आपकी जो कट ऑफ है वो 2022 में क्या थी, ज्यादा आपकी यहां पर थी, ठीक है। चलिए अगर मैं यूपी की बात करता हूं उत्तर प्रदेश की तो 66.11 कट ऑफ गई थी इन 2021 एंड 2022-23 वाला जो यूपी का जो एग्जाम था उसकी कट ऑफ गई थी 77.31। सो यहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि यहां पर नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इनसे यहां पर फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो लो जाएगी या हाई जाएगी। ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि आपने जो बच्चा यहां पर बैठा है एग्जाम में उसका जो लेवल ऑफ एग्जाम गया है, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गए हैं वो किस लेवल के गए हैं। तो यहां पर वैकेंसी ज्यादा हो कम हो, फॉर्म अप्लाई ज्यादा हो कम हो, वो यहां पर मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि बच्चे का एवरेज अटेम्प्ट यहां पर क्या आ रहा है। सो सेम अगर आप यहां पर देख के चलेंगे 2024 के डेटा यानी कि इस वाली वैकेंसी की बात करता हूं तो 26,146 यानी कि आपके 26,000 के लगभग आप मानकर चलिए, आपके 26,000 के लगभग आपकी पोस्ट है और 46 से 47 लाख आपके जो
फॉर्म्स यहाँ पर वो अप्लाई हुए हैं, वैकेंसी 26,146 है। सो इस बार का जो सेफ स्कोर रहेगा फिजिकल के लिए, इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी क्या रह सकती है, तो ये सभी डिपेंड करेगा आपके एवरेज स्कोर के ऊपर कि बच्चा एवरेज क्या अटेम्प्ट करके आ रहा है, ठीक है, कि कितने नंबर का सवाल वो सोल्व कर रहा है, कितने नंबर वो ले रहा। हो सकता है इस बार जो बच्चे हैं वो सारे एवरेज अटेम्प्ट बहुत अच्छे करके आ रहे हो, 150, 140 से ऊपर, 160 से ऊपर करके आ रहे हो। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपकी हाई रहेगी, लेकिन अगर एवरेज अटेम्प्ट डाउन हो जाता है तो आपकी कट ऑफ भी यहां पर लो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं रेफरेंस की बात करता हूं तो आपके रेफरेंस के बेस पे आप इसको जो प्रीवियस ईयर की जो भर्ती थी आपकी, यानी कि 22-23 वाली जो भर्ती थी, उसका रेफरेंस आप यहां पर लेकर चल सकते हैं कि अगर उसके लगभग आप अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं, मान लो कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके जो स्कोर है, ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है, अगर मैं बोलता हूं कि मान लो 1.54 थी 2021 में, 72.02 थी 2022 में, सो अगर आप बेहतर के आसपास मान लो 70-71 बेहतर के आसपास अगर आप अपना स्कोर कर रहे हैं तो इट मींस आप सेफ जोन के अंदर है और आप सेफ स्कोर आपके लिए यही रहने वाला है फिलहाल के लिए। तो आप अपने आप को जो प्रीवियस जो भर्ती थी 2022-23 की जो भर्ती थी उससे आप अपने मार्क्स को कंपेयर कीजिएगा एक बार। अगर आप उससे प्लस माइनस 5-6 नंबर भी जा रहे हैं, अगर आप 5-6 नंबर भी उससे प्लस माइनस जा रहे हैं तो भी आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 4-5 नंबर का अप डाउन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन रेफरेंस आप जो प्रीवियस भर्ती उसका यहां पर लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा 2025 की जो भर्ती है उसकी भी अनाउंसमेंट आपको पता है, अगर सेप्टेम्बर 2024 के अंदर जो आपकी ये भर्ती की नोटिफिकेशन है वो आउट कर दी जाएगी आपकी। सो ऐसे में जो ये 2024 वाली भर्ती है ये भी आपकी अब फास्ट मोड के अंदर कंडक्ट करवाई जाएगी। सो ऐसे में जो टाइम आपको मिलेगा फिजिकल के लिए या प्रिपरेशन के लिए वो शायद कम मिले। सो इसके लिए जो भी बच्चा अपने आप को क्लियर समझता है, जो भी 2022 या 23 की जो भर्ती थी उसकी कट ऑफ के आसपास नियर बाई अगर लग गया है, अगर उसको लगता है कि हाँ मैं जो कट ऑफ है उससे 3-4 नंबर अप या डाउन जा रहा हूं, तो वो 100% अपनी फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बाद में शायद जब ये भर्ती फास्ट हो जाएगी तो उसको मौका इतना ना दिया जाए कि एक महीने का समय दिया जाए या दो महीने का दिया जाए, हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही आपका जो फिजिकल है वो यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया जाए, ठीक है। सो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक बार प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उससे कंपेयर करके अपनी फिजिकल की तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो फिलहाल के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ है उसके नियर बाय रहने वाला है। बाकी अभी जो डेटा है वो कलेक्ट करने, हमने जिनका एग्जाम हो गया है उनके कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा एक पूरा पर्सनलाइज्ड जो आपकी जो कट ऑफ होती है उसकी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए जो रेफरेंस था वो मैंने आपको दे दिया और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि कट ऑफ जो है वो वैकेंसी या नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो एवरेज अटेम्प्ट बच्चा कितना कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगी। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।